तो हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग आधार कार्ड को डाउनलोड कैसे कर सकते हो। तो अगर आपका आधार कार्ड खो गया है या फिर आपने अपने आधार कार्ड में कुछ अपडेट करवाया है और आप अपने नए आधार कार्ड को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप अपने नए आधार कार्ड को डाउनलोड किस तरीके से कर सकते हैं वही आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अपने आधार कार्ड को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र में टाइप करना है UIDAI। तो जब आप अपने ब्राउज़र में UIDAI सर्च करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे आपके सामने जो पहला लिंक आएगा आपको इसे ओपन करना है। तो अब आपको यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। और इसके बाद यहाँ पे आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा डाउनलोड आधार का, तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे फिर से थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा लॉगिन का, तो आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। तो जब आप लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन आएगा इंटर आधार का। तो यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर लिखना है और ये जो कैप्चा दिया हुआ है ये कैप्चा आपको यहाँ पे लिखना है। और इसके बाद आपको यहाँ पे सेंड OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जब आप यहाँ पे सेंड OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा। तो वो OTP आपको यहाँ पे एंटर करके इसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे। और यहाँ पे लॉगिन होने के बाद अब आप लोग यहाँ से बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग अपने आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं और इसी के साथ साथ आप लोग PVC आधार कार्ड को ऑर्डर कर सकते हैं। जो प्लास्टिक वाला आधार कार्ड होता है उसको आप लोग यहीं से ऑर्डर कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पे 50 रुपये की एक पेमेंट करनी पड़ेगी और उसके बाद आपके एड्रेस पे PVC आधार कार्ड आ जाएगा और यहीं से आप लोग अपने आधार कार्ड को ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे काम है जो आप लोग यहां से कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें आधार कार्ड को डाउनलोड करना है तो इसके लिए हम लोग यहां पे डाउनलोड आधार वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पे जो हमारा आधार कार्ड है वो हमारे सामने आ जाएगा। तो इसके बाद बस आपको यहाँ पे डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे जो आपका आधार कार्ड है वो सक्सेसफुली डाउनलोड हो जाएगा। और इसके बाद जब आप अपने आधार कार्ड को ओपन करेंगे तो यहाँ पे एक पासवर्ड लगा होता है। तो आप लोग इस PDF को अनलॉक कैसे करेंगे चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने नाम के शुरू के 4 वर्ड कैपिटल में लिखना है, मतलब जैसे मान लीजिए आपका नाम है अमन, तो अमन के AMAN शुरू के 4 वर्ड आपको यहाँ पे कैपिटल वर्ड में लिखना है, ठीक है। और मान लीजिए आपका नाम है हितेश, तो HITE, ठीक है, तो ये शुरू के 4 वर्ड आपको यहाँ पे कैपिटल में लिखना है। तो इसी तरीके से जैसे मेरा नाम है गौरव, तो यहाँ पे मैं GAUR शुरू के 4 वर्ड अपने नाम का कैपिटल में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। इसके बाद आपको अपने डेट ऑफ बर्थ का ईयर लिखना है, जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ का ईयर है 2004, तो आपका जो भी हो जैसे 2001, 1980, तो जो भी आपके डेट ऑफ बर्थ का ईयर हो वो ईयर आपको यहाँ पे लिख देना है। तो जैसे यहाँ पे मैंने GAUR शुरू के 4 वर्ड लिख दिया और इसके बाद यहाँ पे मैंने अपने डेट ऑफ बर्थ का ईयर 2004 लिख दिया। इसके बाद आपको यहाँ पे ओपन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पे ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो आपका आधार कार्ड है वो सक्सेसफुली डाउनलोड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग अपने आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं और इसके बाद आप लोग इसे कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।